अच्छा देखो, हमने करना क्या है, फाइल पे गए, न्यू प्रोजेक्ट करा। न्यू प्रोजेक्ट में मैंने वेब के अंदर ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क सेलेक्ट करा, ठीक है। और आपने यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना है, आप यहाँ पे रख सकते हो। मैंने यहाँ रखा है वेब एप _01, ठीक है। लोकेशन चेंज करनी है, आप लोकेशन चेंज कर सकते हो कि पर्टिकुलर इस लोकेशन के ऊपर, या मेरे पास यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाए, या यहाँ पे मेरे पास बन जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया कि भाई डॉक्यूमेंट्स में जो है वो VS स्टूडियो 2017 का प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। इसके बाद मैंने इसको ओके करा, एम्प्टी सेलेक्ट करके वेब फॉर्म पे चेक लगाया और ओके कर दिया। अभी आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे ही आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, सबसे पहला काम आपने यहाँ पे करना क्या है, एक वेब फॉर्म लेना है, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास ये क्रिएट हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ हमें क्या लेना है, एक वेब फॉर्म लेना है। तो प्रोजेक्ट पे आने के बाद आप जाएंगे एड न्यू आइटम, और यहां से हमने सेलेक्ट करना है वेब फॉर्म। पहला पेज का जो आपका नाम होता है वो है होता है आपका इंडेक्स, ठीक है। और हमने यहाँ ले लिया है इंडेक्स का पेज। ये मेरे पास जो है वो क्या कहलाते हैं, बना बनाया है एक डॉक्टर HTML का, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। डिजाइन पे आप जाओगे तो बेटा इसके यहाँ पे आपके पास डिजाइन में आ रहा होगा कि आप इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मैंने इस वाले डिव के अंदर कर्सर रखना है, कर्सर रखने के बाद डिजाइन पे आई तो मेरे पास कर्सर ऑटोमेटिकली कहाँ है, उस पर्टिकुलर डिव के अंदर आ रहा है। मुझे नेविगेशन बार में से क्या चीज चाहिए, मेन्यू चाहिए। मैंने यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट करा, एडिट मेन्यू आइटम में जाने के बाद मैंने यहाँ अपने चार मेन्यू ऐड करे। पहला मेरा जो है वो क्या है, होम है। दूसरा मैंने यहाँ पे रखा है प्रोडक्ट। इसके बाद है मेरे पास अबाउट, और इसके बाद मेरे पास क्या है, कॉन्टैक्ट। प्रोडक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी ऐड करी है, मोबाइल और लैपटॉप की, ठीक है। सही है, ये नेविगेशन बार मेरा यहाँ पे क्या हो गया है, ऐड हो गया। इस नेविगेशन बार को या इस नेविगेशन को मैंने क्या करना है, सबसे पहले आप इसकी प्रॉपर्टीज में आओगे। प्रॉपर्टीज अल्फाबेट के हिसाब से मैंने सॉर्ट करी, और सॉर्ट करने के बाद सबसे पहले इसकी विथ एडजस्ट करी। क्या करी, विथ। विथ को कर दिया है 100%, ठीक है। ओरिएंटेशन सेट करूंगी, वर्टिकल सी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। और सबसे ऊपर आपके पास इसका बैक कलर आ रहा होगा, बैक कलर क्या है इसका, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया डार्क ग्रे, ठीक है। अब इसका कलर अभी आ रहा है आपका ब्लू कलर, नजर नहीं आ रहा। इस चीज को सेट करने के लिए अब मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट करूंगी वो जाऊंगी स्टैटिक मेन्यू आइटम्स पे। स्टैटिक मेन्यू आइटम स्टाइल पे मैं आई। अब मैंने कहा कि इसका जो फोर कलर है, क्योंकि लिखा हुआ नजर कुछ नहीं आ रहा, इसको क्या कर दो, व्हाइट आया नजर। अब इनकी हॉरिजॉन्टल पैडिंग और वर्टिकल पैडिंग सेट करनी है। हॉरिजॉन्टल पैडिंग मैंने यहाँ रखी है 20, और वर्टिकल पैडिंग मैंने जो रखी है वो रखी है 10, सही है। स्टैटिक मेन्यू आइटम स्टाइल की। इसके बाद है होवर। होवर के ऊपर मुझे इसका बैक कलर चेंज करना है, थोड़ा सा लाइट कलर, ठीक है। यानी जब मैं कर्सर रखूं तो ये थोड़ा सा लाइट कलर के शेड में सिलेक्शन है, मैं दिखा रही हूँ। अभी मैंने डायनामिक का नहीं किया है, सिर्फ स्टैटिक का किया है, यानी जो ऊपर नजर आ रही है वो स्टैटिक का। आपको मैं रन करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब ये लोड होता है तो टाइम कंज्यूम करता है। यहाँ आ रहा है लाइट कलर, ठीक है। नहीं, ये इतना ही डार्क लिया। इसके नीचे जो है वो मेरे पास अभी इस पे सेट नहीं है, ये वाला मेरे पास सेट हो चुका है।
अच्छा, अब मैंने इस वाली को और इसकी प्रॉपर्टीज को दोबारा सेट करना है। अब प्रॉपर्टीज डायनेमिक की सेट होगी, किसकी सेट हो रही है? डायनेमिक की। सबसे पहले अब हम आएंगे डायनेमिक मेन्यू आइटम स्टाइल, इस पे आने के बाद इसका जो बैक कलर है वो मैंने सेलेक्ट करा ये डार्क, सही है। इसका जो फोर कलर है वो मैंने सेट करा वाइट, ठीक है। इसकी जो हॉरिजॉन्टल पैडिंग है वो मैंने रखी है 20 और वर्टिकल पैडिंग जो है वो मैंने रखी है यहाँ पे 5, सही है। और इसी तरीके से डायनामिक होवर स्टाइल है जिसके ऊपर आपका बैक कलर जो है वो चेंज होके लाइट शेड में आएगा, यानी जिस तरह आपका स्टैटिक वाला चल रहा है सेम उसी पैटर्न में आपका डायनामिक वाला भी चलेगा ताकि दोनों सिमिलर लगे। ठीक है, इस तरह वर्टिकल पैडिंग बढ़ानी है तो मैंने अभी तो यहाँ 5 दी है, इसको आप 10 कर दो तो थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी, सही है। ये बात समझ में आ गई, इसको कर लो। यहाँ पे आपने होम और इसकी ड्रॉप डाउन और इसके ये हमने ये बना लिए, सही है। अच्छा, अब मैं पहले पेज डिजाइन कर रही हूँ। पहले पेज के ऊपर मुझे यहाँ पे फुटर चाहिए, बीच में डिफ चाहिए और साइड में जिस तरह आपके पास एडवर्टाइजमेंट चाहिए, ठीक है। करके सीडीएन का जो लिंक है वो हम यहाँ बैक पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हेड में। ये हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का लिंक क्या करा है यहाँ पे ऐड करा दिया, सही है। अच्छा, बाकी जो ये वाली चीजें इतनी है ना, इसको लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने लिंक का टैग क्लोज कर दिया है, ठीक है। लिंक हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, एंड टैग होके यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो मुझे यहाँ पे उसका लगाना है, क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट या ऑप्शनल जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के, वो हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। इस लोकेशन पे मैंने लाके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, जो मैंने कॉपी किया हुआ है आपकी ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट, और ये सारे सीडीएन के लिंक है, ठीक है। ये हेड में इसलिए नहीं करते, पेज लोड इंक्रीज हो जाता है, टाइमिंग की इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले हमारी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है ना वो डिस्प्ले हो जाए, बाद में ये बैक पे हमारी ना ये लोड होती रहेंगी फाइल, ठीक है, इसलिए इसको नीचे रखते हैं, ठीक है। जी, डाउनलोड करके भी आप लिंक लगा सकते हैं, सही है। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ आप एक फोल्डर बना लीजिएगा बूटस्ट्रैप का, और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी उसको भी आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको अटैच कर सकते हो, ठीक है। या तो सीडीएन से चला लो या अटैच कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये मेरे पास एएसपी का जो है वो यहाँ पे डायनामिक मेरा जो था, ठीक है, वेब वो यहाँ पे खत्म हो गया, सही है। इसके बाद मैं नीचे यहाँ पे आ रही हूँ। अब मुझे जो है वो नीचे लेट्स सपोज अगर स्लाइडर बनाना है, पूरा ही स्लाइडर बनाना है, ठीक है, अगर आपने तो आप यहाँ पे स्लाइडर बना सकते हो, यहाँ स्लाइडर बना लो, ठीक है। उसके बाद आपका जो पेज होगा उसका जो डिजाइन है उसमें मैं चाहती हूँ कि एक तरफ कंटेनर और साइड में जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो आपके चल रहे हैं वो आपके चलते रहे, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि आपको यहाँ पे स्लाइडर चाहिए तो आप यहाँ स्लाइडर लगा सकते हो। उसके लिए भी आपके पास बूटस्ट्रैप की जो बनी बनाई होती है हमारे पास, उस तरह जैसे मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल वीएस कोड खोला है, ताकि क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्टली दिखा देती हूँ। अगर आप कैरोसेल बनाना चाहते हो, बूटस्ट्रैप का जो आपके पास कैरोसेल है, ठीक है, कैरोसेल डिफॉल्ट ये रहा, ठीक है, क्या आ रही है आपको पूरी डिफ नजर। इस पूरी डिफ को आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको इस तरह पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसको जो है वो जो चेंजेस है वो आप फिर यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसे कि पिक्चर हो गया, डेटा सोर्स हो गया, जो भी आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है, उस तरीके से आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। मैं अभी इसको रन करके दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास पिक्चर कोई है नहीं तो ये डिस्प्ले पिक्चर नहीं करेगा, मतलब ऊपर तो आपके पास चल रहा होगा लेकिन इधर मेरे पास मसला आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड, ठीक है। अब पिक्चर के लिए देखो आपके पास जो है वो लेट सपोज हमारे पास डेटा सोर्स जो भी है जहाँ पे भी पिक्चर पड़ी हुई है, ये तो इन्होंने डिफॉल्ट पिक्चर को ही बता दी कि यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास जो पिक्चर होगी, जाहिर सी बात है कि हम जो पिक्चर लाएंगे या हम पिक्चर रखेंगे
वो हम यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर बनाकर इमेजेस की फोल्डर में रखेंगे, तो हम यहाँ पे फिर पाथ भी क्या देंगे उसको, इमेजेस का ही पाथ देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। खैर, ये जो holder.js है, ये उनका एक वो है जावास्क्रिप्ट की है, उसके बाद उन्होंने बताया कि इधर जाके जो है वो एक डिफॉल्ट पड़ी हुई। हाँ, वो हमने यहाँ पे तो रखी है नहीं ना, हमने तो पास रखा ही नहीं है, वो है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे। सही है, अच्छा अब मैं यहाँ पे काम ये कर रही हूँ कि मेरे पास जो भी मुझे पिक्चर लगानी है, कुछ भी आपको लगाना है, तो आप वो यहाँ पे इसको पिक्चर लिंक कर सकते। सही है, पिक्चर यहाँ लिंक, पिक्चर लिंक करने के लिए यहाँ पे आप पहले प्रोजेक्ट में स्टॉप कर रही हूँ। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे मैंने एक ऐड कराना है फोल्डर को, तो आप यहाँ पे ऐड, ठीक है, न्यू फोल्डर कर लो। न्यू फोल्डर में मैंने कह दिया इमेजेस। ठीक है, अब जो भी आपके पास इमेजेस है आप उसको यहाँ पे पुट, तीन जो पिक्चर है वो मैंने यहाँ पे ले लिए, चेंज करके इमेज 1, 2 और ये 3 रख दिए। इंस्पेक्ट और लेट्स सी पिक्चर उठ के आ रही है नहीं आ रही। कैरोसेल इंडिकेटर, नाउ लेट्स सी। यहाँ पर डेटा डैश करके सोर्स था, वो मैंने हटाया है कि डेटा सोर्स करके ASP में नहीं चलता। सही है, और यहाँ पे आपको जो है वो क्या करना पड़ता है, एंड टैग लाजमी देना है। ठीक है, अब जो मैं पिक्चर ला रही हूँ ना, तो पिक्चर की जो ओरिजिनल साइज है ना वो उतनी ही आ रही है, पूरी इस पर नहीं आ रही है, स्क्रीन पर नहीं आ रही। तो इसके लिए फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कि स्टाइल का टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, साइज आपको इंक्रीज करना है, तो स्टाइल के टैग के अंदर यहाँ पर हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि भाई हमारे पास जो विड्थ है वो मेरे पास कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, और मेरे पास जो हाइट है वो मेरे पास होनी चाहिए, लेट्स सपोज 300 pixels या 350 pixels करके आप चेक करके देख लो, जितना आपको लगता है इंक्रीज करा सकते हैं उतना फिर आप इसको इंक्रीज करा दो। फिर यही स्टाइल आपके पास कहाँ इस वाली इमेज पे भी आपके पास आएगा, और आपकी ये वाली जो इमेज है इसके ऊपर भी आएगा, और फिर इसको आप सेव करो। सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करो, तो देखो ये कुछ इस तरह आ रहा है। अच्छा, पिक्सेल्स में कम है, जैसी बात है, फिर पिक्चर का जो साइज़ है वो क्या होता है, थोड़ा सा ख़राब होता है अगर हम इसको कम कर दें। तो थोड़ा हमें इसके इस हाइट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, 4 दे रही हूँ, 450 कर दे रही हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने क्या करा, इसको रिफ्रेश करा और इसको मैंने 450 किया, तो अब मेरे पास जो पिक्चर का लुक है वो फिर बेटर है। ठीक है, इसके बाद नीचे साइड में मेरे पास एडवर्टाइजमेंट चलने चाहिए, जो चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए वो मैं यहाँ लगाऊंगी। कैरोसेल मैंने बना बनाया उठा लिया था, कहाँ से उठा लिया था, VS Code से उठा लिया था। वहाँ से उठाने के बाद मैंने करा क्या है कि जहाँ डेटा डैश सोर्स था वहाँ सिर्फ डेटा लिख दिया, और सोल्यूशन एक्सप्लोजर में एक इमेजेस का फोल्डर बनाया, और फोल्डर के अंदर मैंने आपकी पिक्चर्स रख दी। वही पिक्चर के पास आपने यहाँ दे दिए कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये वाली मेरे पास पिक्चर मौजूद है, और किसी किस्म का कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ स्टाइल में आपने विड्थ और हाइट सेट करी। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास ये स्लाइडर यहाँ पे चल रहा है। ठीक, इसको इतना करो, फिर मैं आगे डिफाइन करूँ। ये मेरे पास डिव है, किस चीज की डिव है, जो कि मेरे पास मैन्यू नेविगेशन है, ये मेरे पास मेरा स्लाइडर है। इसके नीचे आपने एक डिव बनानी है,
ठीक है, और इस डिव के ऊपर हमने एक क्लास देनी है ड्रॉ की, ठीक है। इस रॉ के अंदर आपने दो कॉलम बनाने हैं, ठीक है, इस तरह। एक कॉलम की जो क्लास है वो मेरे पास है यहाँ पे कॉल डैश एमडी डैश 9, और इस वाले की जो क्लास है कॉल डैश एमडी डैश 3, ठीक है। 9 और 3 कितने हो गए 12। यहाँ मुझे काम करना है इधर, इस वाले पे नहीं, 3 वाले पे। 3 वाले पे मुझे काम क्या करना है, पहले मैं इसको स्टॉप करूं ताकि मेरा टूल बॉक्स मुझे नजर आए। स्टैंडर्ड पे जाएंगे, एड रोटेटर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको लाके आपने यहाँ ड्रैग करना है। एड रोटेटर के ऊपर जब मैं यहाँ डिजाइन पे आऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ आ रहा होगा इस तरह, सही है। इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाना है एड रोटेटर की। अभी इसमें एडवर्टाइजमेंट फाइल हमारे पास अभी कुछ मौजूद नहीं है। इसकी जो विड्थ है वो मैंने कह दिया कि 100% है, और इसकी जो हाइट है वो जितनी आपने रखनी है, लेट्स सपोज 450 pixels रखनी है, सही है। 450 pixels है, और इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास कितनी है, 100% है, ठीक है। सोर्स में जाओगे तो मेरे पास यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा होगा, आपने ये लगाना है, ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट फाइल के लिए हमें करना क्या है, देख लो इधर, प्रोजेक्ट में आना है, एड न्यू आइटम पे जाना है, डेटा में जाने के बाद एक एक्सएमएल फाइल लेनी है और इसका नाम रखना है एड्स, ठीक है। ये फाइल मैंने ले ली। यहां पर जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आ रहे थे डिजाइन में आने के बाद, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज दिखाऊं तो यहां आ रहा था ना ऑल्टर एडवर्टाइजमेंट फाइल, इस पर क्लिक करके इस फाइल को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट फाइल में आपकी एग्जीमिल की फाइल लगेगी, सही है। तो पहले आप प्रोजेक्ट में जाके एड न्यू आइटम में जाके डाटा से एक एग्जीमिल फाइल ले लेना, उस फाइल को इस एड रोटेटर के साथ अटैच करना, ठीक है। फिर मैं बताती हूँ एग्जीमिल फाइल पे हम क्या लिखेंगे कि हमारा एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो। अभी आपको मैं यहाँ पे चला के दिखा देती हूँ, सही है। अभी इस पर हमने कुछ लगाया नहीं है, एग्जीमिल की फाइल हमारे पास है ही नहीं, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, सही है। अटैच तो है लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट भी मेरे पास चलता हुआ मुझे नजर नहीं आएगा। ठीक है, वो कह रहा है ना एडवर्टाइजमेंट फाइल जो है वो इनवैलिड है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, सही है, बात समझ में आई। जैसे मैं फाइल सही करती जाऊंगी उस हिसाब से फिर ये चेंज होता जाएगा और आपके एरर खुद ही सही हो जाएगा। तो पहले आप यहाँ पे पहले ये ले लो, ठीक है, इतना कर लो, फिर इसके बाद एडवर्टाइजमेंट फाइल में काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ आने के बाद एडवर्टाइजमेंट्स बनाया, एड बनाया, इमेज यूआरएल हमारे पास होती है, और एक हमारे पास है कि इमेज यूआरएल के बाद है नेविगेट यूआरएल, ठीक है, और अल्टरनेट टेक्स्ट होता है हमारे पास। ये 3 चीजें जो है वो हमारे पास हर उसके अंदर मौजूद है, यानी अगर पिक्चर ना आए तो मेरे पास कोई अल्टरनेट टेक्स्ट चल जाए, और मैं पिक्चर पे क्लिक करूं तो मैं कहाँ नेविगेट करके जाऊं और मेरी पिक्चर का जो पाथ है वो क्या है, मेरे पास कितनी पिक्चर है यानी कितने एडवर्टाइजमेंट है। पहले एक बना लेते हैं, मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास इमेजेस का एक फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास क्या है, एड वन, ठीक है, .png ये पिक्चर का नाम। नेविगेट करके कहाँ जाना है, अगर मैं इस पिक्चर को देखूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ कर्सर रखा है तो ये KFC की लगी हुई है, तो यहाँ पे आपने जो है वो URL में आपने वही दे देना है, ठीक है, जो आपका URL है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे इस तरीके से आप दे सकते हो HTTP,
इस तरह दे सकते हो, यहाँ ये दे दिया। इसके बाद जितने एडवर्टाइजमेंट है ना उतने ही आपने यहाँ पे कॉपी करने हैं, 2, 3, 4। दूसरी पिक्चर जो मेरे पास मौजूद है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे भी मेरे पास ये स्टिल केएफसी की है, सिर्फ चेंज है ये पिक्चर का नाम चेंज कर दिया टू। हाँ, इसके जो एक्सटेंशन है वो क्या है, JPG, सही है, मतलब इसके ऊपर लिंक विंक वही लगेगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद तीसरी पिक्चर पे आ जाओ, तीसरी पिक्चर जो है वो हमारे पास किस चीज की है, मैकडॉनल्ड की है, ठीक है। पिक्चर का नाम मैंने चेंज किया एट 3 JPG, ठीक है। यहां से मैंने लिख दिया मैकडॉनल्ड, सही है, जो इसका URL है उसी को कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी कर मैंने इसका URL यहाँ रख दिया, सही है। ऑल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर आपने यही मैकडॉनल्ड यहाँ लिख के छोड़ दिया, यहाँ कैपिटल में लिख दिया के बाद मेरे पास एक बैंक का है, और बैंक है हमारे पास जो है वो बैंक अल अबीब का है, HBL का है, ठीक है। 4 JPG, ठीक है, HBL, और हमारे पास है HBL HBL.com, ठीक है। जो जिसकी URL है वो मैंने यहाँ पे इसको रख दी, और इसको यहाँ पे मैंने प्लेस करा, और अब मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब इस पेज को सेलेक्ट कर फिर यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, रन करना है, ठीक है। पेज को सेलेक्ट किया, अब हम रन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो ये जो है ना यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी ये साइड में देखो, ये अभी इसकी सेटिंग सेट करेंगे कंटेनर के अंदर करके, तो ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ मैं जब रिफ्रेश करती हूँ, देखो जिसका पास सही होगा ठीक है, जिसकी पास सही नहीं होगा उसका यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यानी इमेज अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा होगा तो नहीं करेगा। जी रिफ्रेश, यानी रिफ्रेश करने का मतलब ये कि जब हर बंदा अपने पास जब ये पेज लोड करेगा तो उसको एक ही ऐड नहीं नजर आएगा, रैंडमली कोई सा भी ऐड नजर आ सकता है, सही है, बात समझ भाई। यानी एडवर्टाइजमेंट जो आपके पास है वो एक नजर नहीं आएंगे, ठीक है, डिफरेंट आ सकते हैं। अच्छा, मैंने सर्च एंजन, हाँ, खुद ही चेंज हो रहे होते हैं वो, फिर आपको लगाना पड़ेगा उस पर कोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने चेंज करा, हमारे पास उसकी HBL की नहीं आ रही थी, अब आ रही है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पे कोड है, ठीक है, स्टॉप कर रही हूँ यहाँ पे, आप देखो जो मेरे पास यहाँ पे कोड है, सोर्स में आओ, ये मेरी जो रॉ है ना इस पे मैं पैडिंग देना चाहती हूँ, तो मैं पैडिंग के लिए P-3 कर दूंगी कि पैडिंग। पैडिंग से क्या होगा कि जो आपकी इनर स्पेसेस है ना वो क्रिएट होंगे, ठीक है, इनर स्पेस क्रिएट होंगे ये वाले, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस रॉ के साथ ये कह दूं कि भाई ये जितना भी मेरे पास फॉर्म है ना, फॉर्म को मैं यहाँ क्लास दे रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको क्लास दे दूं, ठीक है, मर्जी आप कहीं भी लगा सकते हो, कंटेनर, क्या कह दिया है मैंने इसको, कंटेनर कह दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे कंटेनर फ्लिट के जैसे सब चीजें सिमट के इधर आ गई, ठीक है। और अगर मैं इसे कह दूं कंटेनर फ्लिट है तो ये बिल्कुल आपके रिस्पॉन्सिव है अभी, हाँ, एडजस्ट करना होता है हमें थोड़ा सा, ठीक है। अब ये देखो रिस्पॉन्सिव है, कोई भी चीज इधर उधर नहीं जाएगी, ठीक है।
ये मेरे पास यहाँ पे चल रहा है, ये भी मेरे पास चल रहा है, ये भी मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास रिस्पॉन्सिव में, ठीक है। जो नीचे इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार आ रहा था वो भी मैंने इसको कंटेनर देने के बाद इसको एडजस्ट कर दिया। अच्छा, इनके ऊपर मैंने कहा था क्लिकिंग के ऊपर वेबसाइट खुल जाएगी, इस पर मैंने अगर खोला, अगर मैंने ईमेल एड्रेस सही ये दिया हुआ तो ये खुल जाएगी, ये नहीं खुल रहा, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कोई दूसरी वाली अगर मैंने सही दिया, इस पर मैंने सही लगाया है तो इस पर आप देख सकते हो कि ये आपको डायरेक्टली उस पेज के ऊपर या रिडायरेक्ट करके ले जाए। जैसे कभी कभी होता है किसी प्रोडक्ट की लगी हुई होती है, ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट की लगी हुई है या किसी पर्टिकुलर मेन्यू की लगी हुई है, लेट्स सपोज हैप्पी मील पे मैंने सेलेक्ट किया तो मैं ये वाला यूआरएल सेलेक्ट करके वहाँ पेस्ट कर दूंगी तो डायरेक्टली वही पेज खुलेगा जिसका एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है, यानी आपके प्रोडक्ट या मेन्यू में जो भी मौजूद है, ठीक है। इस तरह तो लिंक आपको वही लगाते हैं, मैंने तो बाय डिफॉल्ट वेबसाइट का लगा दिया है, हमें वेबसाइट का नहीं लगाना होता, हमें पर्टिकुलर उसी चीज का लगाना है जिस चीज का एडवर्टाइजमेंट है, ताकि जब आप क्लिक करो तो आप डायरेक्टली उस पेज पे नेविगेट करके जाओ। प्रमोशन चल रही होती है। हाँ, जो प्रमोशन चल रही है, ठीक है। आज के लिए इतना।